हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक रितेश। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप शॉपिंग कैसे कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपको रिक्वेस्ट है, अगर जो आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से फ्लिपकार्ट ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा, जहां आपको फर्स्ट ऑप्शन में लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूं, नीचे जारी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। इसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर चूज़ करना है। मोबाइल नंबर चूज़ करने के बाद OTP भेजे के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ OTP ऑटो डिटेक्ट हो चुका है, लॉगिन कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ 3 लाइन के ऊपर क्लिक कर लेना है और उसके बाद देखिए, मैं यहाँ लैंग्वेज चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ मैं सूटेबल लैंग्वेज चूज़ कर लेता हूँ, इंग्लिश, उसे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसके 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ऑल कैटेगरीज मिल जाएगा, यहाँ से आपको सारे प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज यहाँ से दिख जाएंगे इस ऑप्शन से। इसके बाद दोस्तों, आपको मोर ऑन फ्लिपकार्ट, इसके अलावा और भी ऑप्शन जो हैं वो आपको दिख जाएंगे, जैसे सुपर कॉइन्स आपको यहाँ शॉपिंग करके मिलने वाले हैं। इसके अलावा गेम खेल के भी आप सुपर कॉइन्स इकट्ठे कर सकते हो। स्मार्ट स्टोर में दोस्तों देखिए, आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएंगे। ये सारे स्टोर में आप यहाँ शॉपिंग करोगे तो आपको सुपर कॉइन मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप क्रेडिट यहाँ से दिख जाएगा कि आप क्रेडिट किस तरीके से करने वाले हो, फ्लिपकार्ट पे लेटर, फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड, ईजी मंथ इंस्टॉलमेंट, ये सारे ऑप्शन आपको क्रेडिट में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ वीडियो दिख जाएंगे, इन वीडियो को प्ले करके दोस्तों आप रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको गेम जोन दिख जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप गेम खेल के रिवार्ड अर्न कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा ये सारे ऑप्शन आपको नीचे भी दिख जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर ऑफर दिखेगा, ऑफर जोन, यहाँ से आप चेक कर सकते हो आपका ऑफर। ऑफर में दोस्तों आप चेक कर सकते हो डील ऑफ द डे, बिगेस्ट स्टील ऑफ वीक, सुपर कॉइन्स, ये सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे। डील, आपको कुछ भी सेल करना हो फ्लिपकार्ट के ऊपर तो यहाँ सेल ऑन फ्लिपकार्ट के ऊपर आप क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, वहाँ से आप इसे सेल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा दोस्तों, आप कमेंट करिएगा। तो माई ऑर्डर, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपने क्या ऑर्डर किया है। माई कूपन्स, इसके अलावा यहाँ इस ऑप्शन से आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या। इसके अलावा दोस्तों, माई कूपन से आप चेक कर सकते हो अपने कूपन को। माई कार्ट, आपने अपने कार्ट में क्या प्रोडक्ट को ऐड किए हो, यहाँ से दिख जाएगा आपको। इसके अलावा माई विश लिस्ट, यहाँ से आप विश लिस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, वो प्रोडक्ट को जो आपको पसंद आए उसे अपने विश लिस्ट में रख सकते हो लेटर शॉपिंग के लिए। माई अकाउंट, यहाँ दोस्तों आपको अपना फुल नेम इंटर करना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इसे सबमिट कर देना है। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो माय ऑर्डर, माय कार्ड एंड वॉलेट,
इसमें देख सकते हो बैलेंस को, माय रिव्यू देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ क्वेश्चन और आंसर भी सेक्शन दिख जाएगा। इसके अलावा माय एड्रेस है, जिसे दोस्तों मैं बाद में फिल कर लूँगा। दोस्तों यहाँ पर कोई प्रोडक्ट चूज़ करना है तो चलिए मैं यहाँ चूज़ कर लेता हूँ, और इसे आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो या फिर बाय नाउ। चलिए मैं बाय नाउ कर देता हूँ। यहाँ से उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है साइज को, तो चलिए मैं साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। इसके बाद कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ऑर्डर समरी में आ जाए गया, यहाँ से ऐड डिलीवरी एड्रेस, यहाँ पर आपको फुल नेम टाइप करना है। तो यहाँ पर हमें परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ ऑटो डिटेक्ट कर लिया मेरे एड्रेस को, इसे कंफर्म कर लेना है। यहाँ चाहे तो अल्टरनेट फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ दोस्तों आपको सेव एड्रेस के ऊपर यहाँ दिखेगा, इसे आप सेव कर सकते हो। मेरा ऑर्डर समरी कंप्लीट हो चुका है, मुझे अब यहाँ पेमेंट करना है। तो इसके बाद दोस्तों आप यहाँ चेंज और ऐड एड्रेस, आप चाहते हो तो किसी और एड्रेस के ऊपर यहाँ ऐड करना चाहते हो एड्रेस, तो यहाँ कर सकते हो या एड्रेस चेंज कर सकते हो। तो यहाँ मुझे 419 रुपया पे करना है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर UPI, वॉलेट, क्रेडिट, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, या कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिखेगा, या फिर दोस्तों आप यहां से ऐड कर सकते हो गिफ्ट कार्ड को। तो मुझे कंटिन्यू करने के लिए दोस्तों ये सारे को ऐड करना है, और अपने पेमेंट डिटेल को डालने के बाद यहां कंटिन्यू कर लेना है। इस तरीके से दोस्तों आप अपना पहला ऑर्डर फ्लिपकार्ट पे प्लेस कर सकते हो। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।